वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के प्लेइंग 11 में चयन को लेकर गौतम गंभीर ने दिया ये बड़ा बयान। नमस्कार। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दो मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट जमैका के किंगस्टन में खेला जाएगा। ये मुकाबला 30 अगस्त यानी कि आज शुरू होगा। दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने मीडिया से बात करते हुए भारत की प्लेइंग 11 को लेकर अपनी राय रखी। गंभीर ने भारतीय टीम के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का टेस्ट मैच के अंतिम एकादश में चयन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा को टेस्ट टीम के अंतिम एकादश में जगह बनाने के लिए अभी मौके का इंतजार करना होगा। रहाणे ने पहले टेस्ट अच्छा प्रदर्शन किया और हनुमा बिहारी ने भी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया था, जिसके चलते रोहित को भी इंतजार करना होगा और सही मौका मिलते ही उन्हें प्रदर्शन कर खुद को साबित भी करना पड़ेगा। गौतम गंभीर ने रिद्धिमान साह के लिए भी कहा कि उन्हें भी टीम के प्लेइंग 11 में शामिल होने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। चोट के बाद टीम में लौटे हैं। उन्होंने कहा कि पंत जैसा बल्लेबाज 45 की औसत से टेस्ट में रन बना रहा है। सिर्फ यही नहीं, इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया में भी वह शतक लगा चुका है, इसलिए पंत को टेस्ट क्रिकेट में अंतिम एकादश में होना ही चाहिए। दोस्तों, आपके अनुसार रोहित शर्मा और रिद्धिमान साह को प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके बताएं। लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।